हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो बहुत दिन के बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और बहुत लेट कर रही हूँ। एक्चुअली दसवीं का ये ब्लॉग है, जो जी दसवीं कहते हैं दुर्गा पूजा का, उसका ब्लॉग है ये जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सो सॉरी बहुत लेट अपलोड करने के लिए, बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं ये अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं ब्लॉग बना पाऊँगी। सो ये बहुत ही लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी। सो प्लीज़ आप लोग मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ जैसे आप लोग हमें आगे सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये जो ब्लॉग है वो सिद्धू खेला का ब्लॉग है, जो कोलकाता का रिचुअल, एक्चुअली बंगाली लोग का रिचुअल होता है ये अधिकतर। कोलकाता में ये रिचुअल बहुत अच्छे से होता है। ये सिंदूर खेला का रिचुअल मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं ये रिचुअल कर पाऊँगी, मैं सिंदूर मतलब माँ का वर्ण कर पाऊँगी, बट टाइमली सब कुछ हो गया, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। हम लोग फिर आए, मैं और मम्मी यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे कोई भी नहीं, क्योंकि सभी को चला गया था, सिर्फ मैं और मेरी सास थी, दोनों मिलके हम लोग ने ये रिचुअल कम्प्लीट किया और मेरी बेटी ने भी। तो एक्चुअली बहुत लेट हो चुका था हम लोग को नहाने धोने में। तो फिर क्या था कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ का पानी जो है वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा मोटर में प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से पानी नहीं आ पाया था, हम लोग नहा नहीं पाए थे। हम लोग सुबह से वैसे ही बैठे हुए थे कि मैं तो बार बार खड़ी अपनी बैल्कनी से देख रही हूँ कि कब मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कहते हैं ना कि मन से कोई भी चीज़ मांगो तो पूरा हो जाता है। तो मैं मन से चाह रही थी कि मैं ये रिचुअल तो करूँ अपने हाथों से। सो देखिए मैं ये रिचुअल कर पा रही हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं। सो मैं ज़्यादा वीडियो ये नहीं की थी, शॉर्ट वीडियो ही है, ज़्यादा लॉन्ग में ये वीडियो नहीं कर पाई थी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ जैसे आप लोगों ने आगे हम मुझे सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ इस लाल साड़ी में। तो यहाँ पे मैं और मम्मी का जो है रिचुअल हम लोग जो कर रहे थे दूर खेला वो हो गया था। यहाँ पे फिर मम्मी करने लगी, तो मैं बोली चलो मैं पकड़ रही थी थाली, आप करो। यहाँ पर नव्या जो है वो भी एक्साइटेड है करने के लिए, लेकिन वो कर दिए सिंदूर, उसके हाथ में लग रहा वो मेरी साड़ी में आकर पूछ रही है। तो लाल साड़ी में लाल सिंदूर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो वीडियो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो कट हो गया था, क्योंकि मैं इतना पूरा वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ यहाँ पर, कि बहुत चीज़ है जो नहीं हो पाता अपलोड करना। सो तो जितना भी अपलोड मैं कर पाई हूँ प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिएगा, एंड बैकग्राउंड में आपको तो ढाक का आवाज़ आ ही रहा होगा, जो कि मैं उसे पूरा म्यूट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे पूरा म्यूट नहीं किया है। तो आप लोग भी उसे जरूर इंजॉय कीजिएगा, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे ढाक का आवाज बहुत अच्छा लगता है। या फिर नब्बे जो है वो प्रणाम कर दिया, सोच लिए कि हम कहाँ कहाँ क्या है, ये देखिए वो कन्फ्यूज है एक्चुअली में, वो चूहा को पकड़िए कभी कहीं महसूस पकड़िए, तो खुद ही बहुत कन्फ्यूज है, वो बच्ची है इसलिए वो तो कन्फ्यूज हो गई। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग बनाई हूँ, बहुत चीज़ में से गलती हो गई थी, तो प्लीज़ फिर से सपोर्ट कीजिएगा, एंड वैसे ही प्यार दीजिएगा जिससे मुझे आगे दिए है। तो थैंक यू, बाय बाय, नाइस डे।